और जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसका पेपर हो चुका है, और ये पेपर तो 29 जनवरी को हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नया पैटर्न है उसमें 2022-23 में एमेड में पेपर कैसा आ रहा है। तो हम इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देखेंगे और एक ऑब्जेक्टिव, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं, हम केवल क्वेश्चन देखेंगे, आंसर नहीं देखेंगे यहाँ पे। और इस पेपर का जो नाम है वो है मैथोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर जो है वो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से है, ये खंड भी है बहुविकल्पी। आपको डिस्क्रिप्टिव वाला हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव पेपर देखेंगे, और ये है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जैसे कि आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक पेपर है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, एग्जामिनेशन 2022-23। और अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्वेश्चन आए थे। सॉरी, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक तथा प्रयुक्त अनुसंधान के अर्थ तथा संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है अनुसंधान में साहित्य सर्वेक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है शैक्षिक अनुसंधान के विषय क्षेत्र को बताइए। और छठा क्वेश्चन है कि परिकल्पना को परिभाषित कीजिए, शून्य तथा शोध परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो टोटल डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की देखें, इसमें 40 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शून्य परिकल्पना क्या है। और इसमें आपके लिए देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। तो आपके जो विकल्प हैं वो दिया हुआ है सिद्धांत का निर्माण करना, समस्या का समाधान करना, स्थानीय समस्या समाधान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हिम कंदुक प्रतिचयन जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। आकस्मिक प्रतिचयन, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, सी है श्रृंखला संदर्भित प्रतिचयन, और डी है यादृच्छिक प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। विकल्प है ए स्थानीय समस्या का समाधान, बी सिद्धांत का निर्माण, सी ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोध समस्या का स्रोत क्या है। तो विकल्प है ए व्यक्तिक अनुभव, बी साहित्य समीक्षा, सी अनुसंधान कमियां, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि शोध समस्या की विशेषता है, यानी क्या शोध समस्या की विशेषता है। ए नवीन शोध समस्या, बी सार्थक शोध समस्या, सी समस्या संभाव्य, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अदिश परिकल्पना है, यानी इनमें से अदिश परिकल्पना कौन है। तो ए विकल्प दे सकते हैं बी सी, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, ये कह रहा है सदिश कल्पना परिकल्पना है, क्या है सदिश परिकल्पना। तो ए विकल्प है फिर बी फिर सी फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप पेपर देने का मतलब यही है कि जो नए स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं एमएड में, तो वो देख सकें कि पिछले साल पेपर कैसा आया था। और कई बार होता है कि आपके पास ओल्ड सॉल्व पेपर होता है, तो एक पेपर के लिए नया सॉल्व पेपर आपको खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और लेकिन जो पुराने स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ज़रूर से आंसर अगर करेक्ट है, 100% आप उसको सही तरीके से जानते हैं ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है कि परिकल्पना सोच समस्या का एक उत्तर है। तो विकल्प हैं आपके ए निश्चित समाधान, बी प्रत्याशित समाधान, सी काल्पनिक समाधान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संबंधित साहित्य है, यानी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज क्या है।
तो ए है संदर्भ पुस्तकें, बी विश्वकोश, सी प्रकाशित शोध प्रबंध, डी उपरोक्त सभी। और सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये कह रहा है कि किसी सिद्धांत या नियम के प्रयोग द्वारा किसी उपयोगी वस्तु या प्रक्रिया की संरचना को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान और फिर स्पेस है के प्रश्न का वर्णन करता है, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान किस प्रश्न का वर्णन करता है? ए है क्या है, बी क्या था, सी क्या होगा, डी क्यों और कैसे। इसमें आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये कह रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रश्न, प्रयोगात्मक अनुसंधान फिर स्पेस है के प्रश्न का वर्णन करता है? ए है क्या होगा, बी क्या है, सी क्या था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्णनात्मक अनुसंधान स्पेस के प्रश्न का वर्णन करता है? विकल्प हैं आपके ए क्या था, बी क्या है, सी क्या होगा, डी क्यों और कैसे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दार्शनिक अनुसंधान के प्रश्न का वर्णन करता है? दार्शनिक अनुसंधान फिर आपका स्पेस है, फिर उसके बाद है के प्रश्न का वर्णन करता है। विकल्प हैं क्यों और कैसे, बी क्या था, सी क्या है और डी है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्वतंत्र चर की विशेषता चर के मान में करना है, तो विकल्प है आपका ए हेर फेर करना, बी परिणाम देना, सी स्थिरांक देना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी स्वतंत्र चर की विशेषता चर के मान में स्पेस फिर है करना है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई प्रकार के चर को जाना जाता है, यानी द ई टाइप वेरिएबल इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? ए है शोधकर्ता नियंत्रित स्वतंत्र चर, चयन प्रकार का स्वतंत्र चर, आश्रित चर या डी है परिणामी चर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इस प्रकार के चर को जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? ए है चयन प्रकार का स्वतंत्र चर, बी है शोधकर्ता नियंत्रित स्वतंत्र चर, सी है परिणामी चर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है आश्रित चर को जाना जाता है, विकल्प है आपके ए ई प्रकार चर, बी एस प्रकार चर, सी परिणामी चर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है क्या है? ए है सर्वेक्षण अनुसंधान, बी है सहसंबंधात्मक अनुसंधान, सी है केस अध्ययन, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अधिकतम न्यूनतम नियंत्रण सिद्धांत का संबंध है किससे है? ए है सर्वेक्षण अनुसंधान, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान से, सी प्रायोगिक अनुसंधान से और डी है दार्शनिक अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गुणात्मक आंकड़ों की बाह्य तथा आंतरिक समालोचना का संबंध है किससे है? ए प्रयोगात्मक अनुसंधान से, बी ऐतिहासिक अनुसंधान से, सी सर्वेक्षण अनुसंधान से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ऐतिहासिक आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत हैं क्या, स्रोत होते हैं? ए सिक्का, बी खंडहर, सी ताम्रपत्र और डी उपरोक्त सभी। 24 जो नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है ऐतिहासिक आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत क्या है? विकल्प ए कह रहा है पाठ्य पुस्तक, बी है संदर्भ ग्रंथ, सी है विश्वकोश और डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रजातिक अनुसंधान संबंधित है किससे? विकल्प ए है प्रजातिक विज्ञान से, बी है व्यष्टि अध्ययन से, सी प्रयोग से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्रायिकता प्रतिचयन है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज क्या है? विकल्प ए कह रहा है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, बी है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, सी है हिम कंदुक प्रतिचयन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रायिकता यानी द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, मतलब अप्रायिकता प्रतिचयन क्या है? ए विकल्प है हिम कंदुक प्रतिचयन, बी है यादृच्छिक प्रतिचयन, सी है स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन और डी है गुच्छ प्रतिचयन।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हिम कंदुक प्रतिचयन उपयोगी होता है जब प्रतिदर्श स्पेस हुआ होता है, यानी स्नो बॉल सैम्पलिंग इज यूजफुल वेन द सैम्पलिंग इज। विकल्प है आपके, ए कह रहा है छिपा हुआ हिडन, बी कह रहा है प्रत्यक्ष एविडेंट, सी है सामान्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विभक्त होता है, तो विकल्प है आपके पहला है स्तरों में, बी है प्रतिदर्श में, सी है गुच्छों में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निश्चित जनसंख्या में सरल यादृच्छिक प्रतिचयन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ए है इकाई के प्रतिस्थापन सहित, बी है इकाई के प्रतिस्थापन रहित, सी है किसी तरीके से, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंबंधात्मक अनुसंधान फिर है स्पेस के मध्य संबंधों पर आधारित होता है। विकल्प है आपका ए स्थिरांकों, बी चरों, सी है अंतर की सार्थकता और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है बहिरंग चर को जाना जाता है, तो बहिरंग चर को किस रूप में जाना जाता है, ए विकल्प है आश्रित चर के रूप में, बी है स्वतंत्र चर के रूप में, सी है स्थिरांक चर के रूप में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है संबंधित साहित्य सर्वेक्षण का महत्व है, क्या महत्व है, ए है शोध प्रकरण के चयन में, बी परिकल्पना संरचना में, सी सांख्यिकी उपकरण में, डी उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान है, यानी गुणात्मक अनुसंधान कैसा है, ए दार्शनिक अनुसंधान, बी सर्वेक्षण अनुसंधान, सी प्रयोगात्मक अनुसंधान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि परिमाणात्मक अनुसंधान है, कैसा है, ए ऐतिहासिक अनुसंधान, बी सर्वेक्षण अनुसंधान, सी दार्शनिक अनुसंधान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक शोध से संबंधित साहित्य है, ए संदर्भ ग्रंथ, बी विश्वकोश, सी प्रकाशित शोध प्रबंध और डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है, क्या विशेषता है अच्छी परिकल्पना की, संप्रत्यात्मक स्पष्टता, परिच्छेदीयता, पर्याप्तता, उपरोक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है एक प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चरों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ए आश्रित चरों पे, बी स्वतंत्र चरों पर, सी बहिरंग चरों पे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि घटनोत्तर अनुसंधान में घटना का अध्ययन किया जाता है, विकल्प है ए प्रभाव के पहले, बी प्रभाव के उपरांत, सी ऐतिहासिक विधि द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ये कह रहा है कि विकासात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं कौन से, ए कह रहा है अनुधैर्य अध्ययन, बी कह रहा है अनुप्रस्थ अध्ययन, सी विकल्प है ए तथा बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप कि पेपर आपके लिए ये यूजफुल रहेगा ये वीडियो, और पेपर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर किस तरह का आ रहा है, और जिनको इसका आंसर पता है जो एमएड के स्टूडेंट हैं तो उनसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिख दें। और ये पेपर गोरखपुर यूनिवर्सिटी और तथा उससे संबंधित सभी जितने भी कॉलेज हैं उन सब के लिए समान रूप से है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।